नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिग्विजय बोले, मत पत्र से चुनाव कराए, मोदी पीएम नहीं बनेंगे। शिवपुरी में कहा, ईवीएम ही इनका सबसे बड़ा हथियार है, इसी से सत्ता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, ईवीएम हटाकर पीएम मोदी आपने मत पत्र से चुनाव कराया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। ईवीएम ही इनका सबसे बड़ा हथियार है, इनको पता ही है ईवीएम से ही सत्ता है। दिग्विजय सिंह मंगलवार को शिवपुरी दौरे पर थे। वे यहाँ राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें कितनी आएगी, इस पर उन्होंने कहा, अगर पीएम नरेंद्र मोदी में साहस है, हिम्मत है, तो जनमत के आधार के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख ले, उन्हें पता लग जाएगा कितनी सीटें आएंगी। मैं उन्हें चुनौती देता हूं। भाजपा को मंदिर बनाना नहीं, मस्जिद गिराना था। अयोध्या राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा, भाजपा कहती है कि 500 साल बाद रामलला को लाए हैं, जब इतने साल बाद राम को ला सकते हो तो देश के करोड़ों रुपये लूट कर भागे नीरव मोदी और विजय माल्या को वापस क्यों नहीं ला पा रहे हैं। उन्होंने कहा, रामलला की लड़ाई भाजपा की नहीं 1850 से निर्मोही अखाड़ा ने लड़ी थी, फिर 1925 में आरएसएस बनी, 1950 जनसंघ बना, 1965 विश्व हिंदू परिषद बनी, 1980 भाजपा बनी, तब इनका राम मंदिर का मुद्दा था ही नहीं। राम मंदिर मुद्दा 1984 में बना जब भाजपा के चुनाव में 2 सदस्य रह गए थे, तब से अब तक हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य राम मंदिर को बनाना नहीं, मस्जिद को गिराना था। जिस मस्जिद को गिराना भाजपा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही थी, वहां मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। जो स्थान कांग्रेस के शासन में स्वीकृत किया गया था, मंदिर वहीं बना है। मुस्लिम लीग और आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया। दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा, यह देश सभी का है, हिंदू मुस्लिम एक ना होते तो देश को आजादी नहीं मिल सकती थी। आजादी की लड़ाई के वक्त अगर सिंधिया झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दे तो 1857 में अंग्रेज देश से बाहर हो जाते। अंग्रेज समझ चुके थे कि देश में ब्रिटिश हुकूमत चलाने के लिए हिंदू और मुसलमानों को बांटना होगा। इसके बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए मुस्लिम और लीग जमात इस्लामिक बनाई, हिंदू के लिए आरएसएस और हिंदू महासभा बनाई। इन चारों संगठनों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग न लेते हुए ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया है, यही इन संगठनों का इतिहास है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।